महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में आज खिचड़ी चोर का शोर मचा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को खिचड़ी घोटाले में घेरा है। मुंबई पश्चिम के शिवसेना उम्मीदवार को ईडी ने बुलाया तो कांग्रेस के नए विरोधी संजय निरुपम पुराने रिश्ते भूल गए। कोरोना के दौरान लोगों के बीच बांटने के लिए जो खिचड़ी बनी थी उसमें 6 करोड़ के घोटाले का आरोप है। बता दें, कांग्रेस से निष्कासित नेता संजय निरुपम ने शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि संजय राउत ने खिचड़ी घोटाले में अपनी बेटी और कई दोस्तों के माध्यम से रिश्वत ली है। निरुपम ने आगे कहा कि 8 अप्रैल को उत्तर पश्चिम मुंबई के उम्मीदवार और खिचड़ी चोर अमोल कीर्तिकर को ईडी ने बुलाया है। मुझे नहीं पता कि ईडी उनके साथ क्या करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इस खिचड़ी घोटाले का असली सरगना शिवसेना नेता संजय राउत है। बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि सरदी जलपान को खिचड़ी वितरण के लिए 6 करोड़ रुपए का ठेका मिला था, जिसके लिए राउत के रिश्तेदारों ने 1 करोड़ रुपए का कमीशन लिया। संजय निरुपम के मुताबिक जब पत्राचार घोटाले में पकड़े गए तो पत्नी के नाम से रिश्वत ली, जबकि इस घोटाले में बेटी के नाम पर, भाई के नाम पर और अपने पार्टनर के नाम पर रिश्वत ली। संजय राउत के पार्टनर की कंपनी को कोविड के जमाने में खिचड़ी सप्लाई करने का ऑर्डर 6 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसमें 1 करोड़ रुपए दलाली के तौर पर लिए गए थे। सहकारी बैंक खाते से उनकी बेटी के नाम पर चेक से रिश्वत ली गई है। 2020 में 19 मई, 26 मई 2020, 20 अगस्त 2020 को चेक आता है। इस दौरान उनके सगे भाई के अकाउंट में पैसे आए। जो पूरे खिचड़ी घोटाले के किंग पिन है, ये है शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता श्री संजय राउत। संजय राउत जी खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार हैं। उनको अच्छा नहीं लगेगा मैं उनकी बेटी या भाई के बारे में बोलूंगा तो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब वो पत्राचाल घोटाले में पकड़े गए तो पाया गया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे रिश्वत ली है, किसी बिल्डर से पैसे लिया। पत्नी को नहीं लाना चाहिए था इस पूरे घोटाले में, लेकिन उन्होंने किया था। और ये जो घोटाला हुआ है, इसमें उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे, भाई के नाम पे और उनका जो पार्टनर है उस पार्टनर के नाम पे पैसे लिए। ये मैं आपको पूरा शीट आपके साथ शेयर करूंगा। आइए अब जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस समय खिचड़ी घोटाले की इतनी चर्चा हो रही है, आखिर क्या है ये मामला। देश में साल 2020 में जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, तब बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने संकट में फंसे प्रवासी मजदूरों को खिचड़ी बांटने का फैसला किया था। इस मामले में हुए जांच से जांच एजेंसी ने यह दावा किया है कि खिचड़ी के पैकेट की आपूर्ति के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने फोर्स वन मल्टी सर्विसेज को खिचड़ी आपूर्ति का ठेका दिया गया था। उसके बैंक खाते में 8 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। जांच एजेंसी का यह आरोप है कि खिचड़ी की तैयारी और वितरण में कंपनियों के आवंटन और अनुबंधों में अनियमितताएं पाई गई। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस मामले का खुलासा हुआ है। जून 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन के बाद प्रदेश में महायुति गठबंधन का शासन आया, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट और भाजपा शामिल थी। बाद में इस गुट में एनसीपी के अजीत पवार भी शामिल हो गए। इसी सरकार में बीएमसी के कामकाज को लेकर कई जांचें शुरू हुई, जिसमें कथित घोटाले का भी खुलासा हुआ है।